हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक वाली दाल। ये रेसिपी ठंड में एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ठंड में पालक बहुत अच्छी आती है और इसकी दाल बहुत अच्छी बनती है। तो ये दाल बनाने के लिए हमें चाहिए तुअर की दाल। तुअर की दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है पे हमने पालक डाल दिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितने आपने क्वांटिटी ली है पालक और दाल की। पानी डालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने लहसुन डाल दिया है थोड़ा सा। लहसुन हम जब बघार लगाएंगे दाल में तब भी डालेंगे। तब हम इसे मिला करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तेल हम थोड़ा सा गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, दालचीनी डाल, थोड़ा सा पक जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे हींग डाली है। हींग से दाल में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हींग डालने के बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाला है कूट करके अच्छे से उसको। अब अदरक और लहसुन को हम थोड़ा सा पकाएंगे। जब वो थोड़ा लाल हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज में काट लिया है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। प्याज को हम धीरे धीरे यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज हमारे थोड़े से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हम थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से गल जाए। अब टमाटर गलने के लिए अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी दाल में डाला है। अब हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब हम इसमें हमारी दाल डालेंगे। हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते रहेंगे, ऐड कर दी है उबाल ना आ जाए। दाल को डालने के बाद हमारी दाल में उबाल आ गया है। तो यहाँ पे दाल जो है वो मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर हम दाल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा सा ही डालेंगे। ये देखिए, पानी डालने के बाद मेरी दाल फिर से जो है वो उबल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नया टेस्ट देने के लिए कोयला लेंगे। कोयले के छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसे जो है गैस पे आँच पर अच्छे से उसे जला ला साइड से। और अब इसे एक कटोरी में रखकर कटोरी को हम दाल में रख देंगे और उस पर थोड़ा सा घी डालकर उसे एक ढक्कन से ढक देंगे। हमारी जो ढक्कन कढ़ाई है उसमें वो चारों तरफ से अच्छे से ढकी होनी चाहिए। और कम से कम इसे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऐसे ढके रहने देंगे और 5 मिनट बाद फिर ढक्कन उठा देंगे। तब तक इसमें कोई जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दाल में आ चुका होगा और दाल में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम दाल को सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए हम उसे अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दाल जो है वो उसमें मुझे निकाल लेंगे और फिर हम इसमें ऊपर से लहसुन का तड़का देंगे। ये देखिए, हमारी दाल तैयार है। अब लहसुन का तड़का देने के लिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है। घी में मैंने कुछ लहसुन पतले पतले काट के डाल दिए हैं। लहसुन को हम थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक वो लाल ना हो जाए। ये देखिए, अब हमारे लहसुन जो है वो थोड़े पक चुके हैं और लाल हो गए। यहाँ पे मैं 2 लाल मिर्च ऐड करूँगी खड़ी। इससे दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और रेस्टोरेंट में जैसे दाल नहीं देते हैं एकदम, वैसे हमारी दाल लगेगी। तो बस
अब हमारा दाल का तड़का जो है वो तैयार है। तो अब हम इसे दाल में ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। हमारी ढाबा एंड रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनकर तैयार है। सर्दियों में ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सर्दियों में पालक जो है वो बहुत ही अच्छी आती है और इसकी दाल बहुत ही अच्छी बनती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।